आज फिर से जो डॉग्स होते हैं उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और हमारी इंडियन आर्मी को एक बहुत ही एक बड़ा एक बलिदान दिया है। हमारी इंडियन आर्मी को बचाने के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि एक्सल नाम के डॉग ने एक बलिदान दिया है जिसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है और आज ये साबित हो गया है कि डॉग्स ह्यूमंस के लिए, एक आर्मी के लिए कितने ज़्यादा ही ईमानदार होते हैं। बिकॉज ह्यूमंस के लिए तो हम बात करते हैं कि अगर वो सेफ्टी के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी वो हमारे लिए जो वर्क करते हैं मैटर करता है। हमारी इंडियन आर्मी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक मिशन हुआ था, जो एंटी टेररिस्ट अटैक किया गया था, एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो बेसिकली एक ऑपरेशन था, एक मिशन था, उसके अंदर कुछ डॉग्स भी साथ में गए हुए थे, तो उसमें से ही एक्सल नाम का डॉग भी साथ में गया था जो कि एज ए गार्ड पर्पस यूज किया गया था। और बेसिकली एक्सल जो है एक वेल ट्रेंड डॉग था और जिसने सेक्रीफाइस दिया है, अपना एक बलिदान दिया है हमारी इंडियन आर्मी को बचाने के लिए, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी सल्यूट करते हैं। बिकॉज डॉग्स जो हैं बहुत ही एक अच्छा एक अहम रोल निभाते हैं हमारी इंडियन आर्मी के लिए, बिकॉज इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे वेल ट्रेन डॉग होते हैं, तो हमें जैसे हम इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हमें हमारे डॉग्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो एंटी टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके अंदर हमारे डॉग एक्सल ने बहुत ही अच्छी अहम एक भूमिका निभाई है। तो बेसिकली दो डॉग गए थे, एक बालाजी था एक एक्सल था। बालाजी डॉग जो है वो बिल्कुल ही सेफ है, जिसका नाम था बालाजी तो वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक्सल को गोलियां लगी। एक्चुअल में हुआ क्या था, सबसे पहले क्या गया, जो निरीक्षण के लिए जो भेजा जाता है तो डॉग को ही भेजा जाता है कि सर्चिंग के लिए, तो वैसे एक्सल को भेज दिया गया। तो फर्स्ट रूम में एक्सल गया तो उसे वहां पे कुछ नहीं मिला, लेकिन सेकंड रूम में वहां पे गया तो वहां पे उसे कुछ आतंकवादी मिले और आतंकवादियों ने लगातार गोलाबारी स्टार्ट कर दी, बेसिकली गोलियां स्टार्ट कर दी, गोलियां मारना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से डॉग वो घायल हुआ। तो उसको बहुत सारी गोली लगी, बहुत सारे राउंड फायर किए गए, जिसकी वजह से एक्सल बहुत ज़्यादा गंभीर घायल हो गया था। फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहा, फिर थोड़ी सी चिल्लाने की आवाज़ आई तो आर्मी को पता चला, तब आर्मी ने अटैक किया, जिसकी वजह से डॉग को देखा तो लेकिन डॉग काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाते हुए गिर चुका था और उसी पोजीशन से उसी से उसके शव को बरामद किया गया। तो बेसिकली गाइस कहने का मतलब ये है कि डॉग्स होते हुए भी उसने एक अहम बलिदान दिया है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारी इंडियंस के लिए। तो डॉग की रिस्पेक्ट करो, उन्हें मारो मत, उनकी केयर करो, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा लॉयल होते हैं डॉग्स हमारे लिए, हमारी इंडियन आर्मी के लिए। बेसिकली जो एक्सल जो डॉग था 26 आर्मी डॉग यूनिट का एक हिस्सा था। आर्मी डॉग नंबर जो इसका बेसिकली था 7427 था, जो कि एक बहुत ही एक बहादुर एक डॉग प्रूफ हुआ है, जिसने बलिदान दिया है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारी इंडियन आर्मी को बचाया है। तो ये जो डॉग है एक मिशन के अंदर गया था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो भारतीय सेना का एक अभियान था, एंटी टेररिस्ट मिशन था, उसमें गया था। तो भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के दौरान हमारे डॉग एक्सल ने जान गंवाई अपनी, और जिसे बलिदान मानेंगे और हम उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रे करेंगे। तो एक्सल के लिए एक कमेंट जरूर करना, आप रिप जरूर लिख के भेजना कमेंट सेक्शन के अंदर, बोला भी नहीं जा रहा यार, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एज ए डॉग होते हुए भी उसने हमारी भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए इतना बलिदान दिया और हमारी इंडियन आर्मी के लिए उनके सामने लड़ पड़ा और उनसे भिड़ पड़ा, जो आतंकियों ने उसे मारा है। भगवान करे बस उसकी आत्मा को शांति मिले, और हम सभी डॉग्स को सैल्यूट करते हैं, भले ही वो डोमेस्टिक डॉगी क्यों ना हो या स्ट्रीट डॉगी क्यों ना हो, बिकॉज उनकी लॉयल्टी को हमेशा ही ह्यूमैनिटी जो है यानी ह्यूमन बींग्स को सलाम जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।